ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये जो गुरु भक्त है जो संत गुरु रविदास के लिए आंदोलन कर रहे थे, यहाँ सुबह से आके भूखे प्यासे आंदोलन कर रहे हैं, जवाब दीजिए सर, बोलिए सर, अमर कॉलोनी, अमर कॉलोनी, अरे अमर कॉलोनी, अमर कॉलोनी, अमर कॉलोनी, अरे जनाब कुछ तो ध्यान दो, नाम के साथ में बताइए कितने लोगों की गिरफ्तारी, आपके सामने हो रहा था, जो भी लोग यहाँ पर थे उनको हमारे सामने उनको डिटेन करके और एक डेस्टिनेशन पर भेजा गया है, अभी वहाँ डेस्टिनेशन पहुँचते हमको एग्जैक्ट नंबर वो बताएंगे काउंट करके, फिर हम आपसे शेयर करेंगे। सर, 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 आपके पास है, आपके पास लिस्ट होगी सर, हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। लाठी चार्ज हुई है, कहीं ना कहीं इनको अंदेशा था कि बहुजन समाज के साथ में ये किस तरीके से बर्बरता पूर्वक कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन हमारे जो प्रदर्शनकारी हैं वो बड़े सूझबूझ के हैं, संविधान में आस्था रखने वाले हैं, उन्होंने कोई भी इस तरह की हरकत नहीं की है कि उनके ऊपर ये वाटर कैनन या गैस कि जो गोले हैं वो छोड़े जाएँ, उसके बावजूद पुलिस के कुछ अधिकारियों ने मिलजुल कर मिली भगत से जानबूझकर इस प्रदर्शन को, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को उग्र बनाया और जानबूझकर हमारे लड़कों को उग्र उनको उकसाते हुए और यहाँ पर एक प्रदर्शनकारी के साथ सीआरपीएफ के एक जवान ने लाठी चार्ज मारी, उसके मुंह पर उसके हाथ में चोट लगी, उसका फोन टूट गया, उसकी एक उंगली भी मुझे लगता है ब्रेक हो गई है। हम पूरा बहुजन मीडिया, दलित मीडिया, डिजिटल मीडिया, पत्रकार संघ और तमाम जितने पत्रकार संघ हैं इस पुलिस की कार्यशैली की निंदा करते हैं और हम इस मामले में ऊपर तक आवाज़ को लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी उनके पास कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि जो कि नामजद ऐसा कहा गया है कि उन सभी लोगों को डिटेन कर बवाना ले जाया गया है वहाँ से, लेकिन पुलिस जानकारी नहीं दे पा रही, इतने बड़े आला अधिकारी हैं ऐसी कोई भी नहीं बता पा रहा है, हजारों की संख्या में वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।